नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर त्यागी, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है द लग्जरी रियल्टी। अब दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अफोर्डेबल कंसेप्ट में एक बहुत ही प्रीमियम कंसेप्ट की कोठी लेके आया हूँ, जो अपना 100 गज के अंदर कोठी रहेगी। आप मेरे बैक साइड पे देख ही सकते हैं, ज्यादा इन्वेंट्री दोस्तों हम बना नहीं रहे, कोठियां भी 5 से 6 कोठियां बना रहे हैं, बट इनकी डिमांड हमारे पास काफी अच्छी रही है। कोठी की जो डायमेंशन रहेगी आपकी 20x45 की रहेगी, 3 BHK का कंसेप्ट है, मतलब नीचे आपके 2 BHK का कंप्लीट सेट रहेगा, साथ के साथ ऊपर आपको एक रूम के साथ वॉशरूम का कंसेप्ट है, और साथ ही साथ अगर जो यहाँ पे आप 2.5 स्टोरी और एक्स्ट्रा करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप नक्शा पास करके अपनी कोठी बना सकते हो। कोठी की जो रेंज रहने वाली है वो बहुत ही अफोर्डेबल रहनी है, सिर्फ 39,90,000 में आपको 100 गज की कोठी मिल रही है डेराबसी के अंदर। वो भी ये मैं लोकेशन को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, लोकेशन जो आपकी पड़ रही है वो आपकी कोट रोड की पड़ने वाली है, मतलब आप डेराबसी बस स्टैंड से सिर्फ हार्डली 1.5 किलोमीटर के आसपास यहाँ रेजिडेंशियल जोन के अंदर आ रहे हैं। प्रॉपर गेटेड ये टाउनशिप रहने वाली है, आप देख सकते हैं कोठियां यहाँ पे बननी चालू हो चुकी है, 20 फिट की आपकी गली आ जाती है, साथ के साथ ये गेटेड टाउनशिप होने वाली है। जितने बैंक्स नेशनलाइज बैंक है सारे के सारे यहाँ पे आपका लोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर काफी कस्टमर्स का फेस रहता है, यहाँ पे वो आपको बैंक लोन प्रोवाइड करके दे रहा है, चाहे आप प्लॉट लीजिए चाहे आप कोठी लीजिए। प्लॉट का भी एक छोटा सा मैं इसमें यहाँ बताना चाहूंगा, सिर्फ 20,000 रुपये गज में आपको यहाँ पे तकरीबन 80 गज 88 गज से प्लॉट यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, और आपका 100-125 गज तक के यहाँ पे प्लॉट जाते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके सबसे पहले मैं आपको एक बारी कोठी का टूर दे देता हूँ। आइए, स्लाइडिंग कंसेप्ट आपके बनाए गए हैं ताकि आप कार वगैरह अगर जो अंदर पार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। कोठी की दोस्तों कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, टाइल वर्क के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपका जो मेन गेट है स्टील एंड वुड दोनों का कंसेप्ट रहने वाला है, बाइक की पार्किंग यहाँ पे आ जाएगी। अंदर आइए एक बारी, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टाइल वर्क है बड़ा प्रीमियम है, डोर का सेगमेंट आप देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा एक वुड वर्क किया हुआ है, 8 फुट का डोर रहने वाला है, चौखाट अगर जो आप देखें तो बिल्कुल ही प्रीमियम सेगमेंट आ जाते हैं यहाँ पे। ड्राइंग डाइनिंग के अंदर हम आ जाते हैं तो आप सबसे पहले ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया देखिए, ग्लास वर्क देखिए कितना ज्यादा प्रीमियम करके दिया गया है, फॉल सीलिंग विद कंसील्ड लाइट आपको प्रोवाइड करके दी गई है, किचन प्रॉपर मॉड्यूलर आपको प्रोवाइड करके दिया गया है, मतलब हर एक चीज का बड़ा खास ध्यान रखा गया है, वुड वर्क बहुत ही प्यारा करके दिया हुआ है दोस्तों। डबल सिंक का यहाँ पे आपको प्रोविजन होगा, डबल सिंक में आपको प्रोवाइड किया है, वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो प्रोवाइड की है, चिमनी का पॉइंट आपको अलग प्रोवाइड किया गया है, और एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन अलग प्रोवाइड करके दिया गया है। सबसे पहले मैं फर्स्ट बेडरूम में आ रहा हूँ, रूम के अंदर आपको ऊपर का एक बारी देख सकते हैं किस तरीके से रूफ पे आपको एक डिजाइन प्रोवाइड करके दिया गया है, साथ के साथ आपके वार्डरोब ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल आपको अलग कंसेप्ट दिया गया है, ऊपर जो आपका विंडो सॉरी एक्स्ट्रा स्पेस जो आपको ये प्रोवाइड करके दिया गया है, लाइक आपके बैगेजेस आ जाते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि घर के कुछ और गद्दे आ गए वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया गया है। पीछे वॉशिंग एरिया का कंसेप्ट, टाइल वर्क आपको बहुत प्रीमियम क्वालिटी का प्रोवाइड किया गया है, सबसे पहला वॉशरूम जो आपका वॉशिंग एरिया के साथ कंसेप्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, साथ के साथ सेकेंड रूम की तरफ चलूं मैं, अगर सेकेंड रूम में आप देखिए सेम कंसेप्ट रहेगा, ऊपर डिजाइनर वॉल आपको प्रोवाइड की गई है, अपना जो खिड़की ऑप्शन होता है वो भी आपको यहाँ पे अलग ही प्रोवाइड करके दिया गया है, वार्डरोब्स आपको अलग बड़े बड़े प्रोवाइड करके दिए गए हैं, साथ के साथ एक वॉशिंग एरिया और आपको प्रोवाइड करके दिया गया है। तो दोस्तों ऊपर का कंसेप्ट क्या रहेगा, ऊपर हमने एक रूम दिया है आपको, पीछे बालकनी दी है, साथ के साथ वॉशरूम का ऑप्शन प्रोवाइड करके दिया गया, बहुत ही प्यारा प्रीमियम प्रोडक्ट आपको बना के दिया गया है। स्टेयर आप देख ही सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के साथ आपको ग्रिल प्रोवाइड करके दी गई है, और ऊपर तक जो रहेगा आपका मार्बल कंसेप्ट रहेगा, साथ के साथ बैक साइड पे अगर जो मैं आपको दिखाऊं पूरा ओपन स्पेस आ जाती है, वॉशिंग एरिया और साथ के साथ पीछे वेंटिलेशन के लिए भी एरिया आपको प्रोवाइड करके दिया गया है। यहाँ पे आपको थर्ड बेडरूम आ जाता है, आइए थर्ड बेडरूम के साथ भी आपको फ्रंट में भी बालकनी बैक साइड पे भी दी गई है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन एक 100 गज की कोठी का आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास 80 गज के ऑप्शन भी अलग आ जाते हैं, साथ के साथ प्लॉटिंग के ऑप्शन भी आ जाते हैं। अगर जो आप इस तरीके का ऑप्शन देख रहे हो तो प्लीज विजिट का प्लान जल्द से जल्द करिए, साथ के साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, और बिना चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मत जाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।